जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में होती है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं जो है वो खड़ा कर देती है। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी भी मंथ में हो सकती है, बट यूजुअली इसको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो देखा जाता है। कैसे आपको अपने खाने में कंट्रोल करना है, क्या करना है जिससे आप इसको अंडर कंट्रोल रख सकें और आपकी जो प्रेगनेंसी वो स्मूथली निकल जाए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे पता चले आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। प्रेगनेंसी में यूरिन तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो यूरिनेशन का और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। आपका थ्रोट जो है वो बार बार आपको सूखा हुआ महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहेगी और आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको दिखने में भी उतना क्लैरिटी नहीं रहेगी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि बच्चे का वेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के समय में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और समटाइम्स इस वजह से जो है वो बच्चे का डिलीवरी जो है वो थोड़ा समय से पहले भी हो जाता है। जिन लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनके जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक सैक में वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जो बच्चे के आसपास एक लिक्विड रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। अगेन ये आपकी डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाती है, इसके कारण थोड़ा सा आपके जो डिलीवरी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगेन ये जो है वो बढ़ा देता है। जिन माओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहती है उनके बच्चों को पैदा होने के बाद में लो ब्लड प्रेशर का समस्या हो सकता है और साथ ही साथ जॉइंटिस का, पीलिया का भी समस्या जो है वो देखने को मिलता है। कई बच्चों को जन्म लेने के बाद में सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, बट स्टिल इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ यू नो कॉम्प्लिकेशंस। इन सबको अवॉइड करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं क्या करना है आपको जिससे कि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल आ जाए। सबसे पहली चीज़ है वो आपको बादाम कंज्यूम करना स्टार्ट करना है। जब भी आपको लगता है ना कि आपको कुछ जंक फूड खाना, ये सब आप जानते हैं कि जब भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है आपको ऑयली फूड, शुगरी फूड और जितने भी पैकेट के फूड आते हैं, चाहे वो चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, कुकीज़ हुआ, बिस्किट्स हुआ, वो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। तो जब भी आपको बिस्किट खाने की क्रेविंग होती है या कुछ चिप्स खाने की क्रेविंग होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको बादाम खा सकते हो। ये ना ही आपकी क्रेविंग को कम करेगा बल्कि आपकी शुगर को कंट्रोल करके रखेगा, एकदम से स्पाइक नहीं आएगा। तो ऑलमंड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी, गर्मियां हैं तो सोक करके ले सकते हैं, सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा रोस्ट करके आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, अदरवाइज़ ये गर्म होता है तासीर में जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होता। सैलेड आपको भरपूर खाना है। जब भी हम खाना खाने बैठ रहे हैं उससे पहले एक बड़ी प्लेट भर के आपको सैलेड खाना है। सैलेड खाने से देखिए होता ये है कि एक तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम स्पाइक नहीं करता, दूसरा आपका पेट फुल हो जाता है ना काफ़ी, तो आप रोटी राइस कम खाते हो। रोटी राइस जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल्स हैं, ग्लूकोज लेवल है, वो काफ़ी काफ़ी सडन जो है उसमें स्पाइक आता है, जिसकी वजह से हमारा यू नो शुगर के लेवल्स हैं जो अनस्टेबल हो जाते हैं। एक तो हमें सबसे पहले ऐसे फूड खाने होते हैं जो कि यू नो जिसमें कार्ब्स कम हो और प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा हो, तो उन सब चीज़ों को यू नो सब कुछ बैलेंस करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि आपको खाना खाने से जस्ट पहले, लाइक 10 मिनट पहले, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, जो इतनी बड़ी प्लेट होती है उतना भर के जो है वो आपने सैलेड खाना है। इसमें गाजर, मूली, आप कुकुम्बर, टमाटर, प्याज, कुछ भी आप ले सकते हैं जैसे कि आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम स्पाइक नहीं करेगा। अगली जो चीज़ है वो है कर्ड, योगर्ट, दही। आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं, आप कोई भी टाइप का दही ले सकते हो, घर में जमा हुआ सिंपल दही वो भी ले सकते हो, कर्ड वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिकली हम दही क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स जो कि हमारे गट बैक्टीरिया के हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करते हैं, गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं हमारे गट में बेसिकली। तो जब भी हम कर्ड कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, एक तो फ्रिज की ना हो, ताज़ा ताज़ा दही होगी घर की तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों के समय में कंज्यूम करने से थोड़ा सा बचना चाहिए कर्ड को, लेकिन अगर समर का समय है या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं चल रही हैं तो आप खाली पेट भी दही खाएंगे तो आपको देखेंगे आपको कि आपका जो पूरा दिन है ना वो शुगर्स काफ़ी लेवल पे रहते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नहीं जाते। बट ध्यान ये रखना होता है, ऐसा नहीं होता कि सुबह आपने दही खाया और पूरा दिन आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि स्पाइक आ रही है। पूरा दिन आपको डाइट में कंट्रोल ज़रूर करना पड़ता है, बट आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहती है। तो आपको अगर योगर्ट खा रहे हैं, खाली पेट बहुत अच्छा है, खाली पेट अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप हर मील के साथ में योगर्ट ज़रूर खाइए, इससे आपके शुगर लेवल्स बैलेंस रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। अगली जो चीज़ है वो है राजमा, आप कंज्यूम कर सकते हैं। राजमा भी जो है वो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
राजमा को पहले 8 से 10 घंटे के लिए भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेंट मत बनाइए, इंस्टेंट बन तो जाते हैं पर वो उतने अच्छे नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए। तो 8 से 10 घंटे तक आपको राजमा को भिगो के ज़रूर रखना है। रेड किडनी बीन्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो उनको आप कंज्यूम करिए, इससे भी आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। इसके अलावा चिया सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। चिया सीड्स को आप 15-20 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए, वो फूल के काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उसको आप किसी भी स्मूदी में बना सकते हैं, या आप दलिया पोरेज कुछ भी ओट्स वगैरह ले रहे हैं उसमें भी आप डाल के खा सकते हैं। थोड़ा सा मुशी टेक्सचर होता है इसका, बट आप 2-3 दिन खाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, बट ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ना ही आपकी शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, बट आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो चिया सीड्स से मिलते हैं। तो बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब भी आप चिया सीड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस पर कंज्यूम करेंगे तो आपका शुगर लेवल्स को जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी के लिए को सब्सक्राइब करें।